अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बन रही है कढ़ी। कढ़ी दो स्टेप में बनाएंगे। सबसे पहले उसके पकोड़े तैयार करेंगे और उसके बाद हम कढ़ी बनाएंगे। पकोड़े बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, यहाँ सबसे पहले मैंने तकरीबन एक पाव बेसन लिया था जिसे पानी डाल के मैंने एक घोल बना लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक अदद बड़ी प्याज ली थी जिसे मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है इस तरीके से। इसके अलावा दो से तीन हरी मिर्चें ली थी जिन्हें कट कर लिया है। स्पाइसेस में हम ऐड करेंगे यहाँ पर हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। इसके अलावा एक चम्मच हमने लिया है भर के ज़ीरा, एक चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और एक चम्मच नमक लिया है। ठीक है जी, आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे बेसन के अंदर थोड़ा पानी ऐड करके हमने इसको एक पेस्ट तैयार कर लिया है जिसकी ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसके बाद हम सबसे पहले इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज और हरी मिर्चें जो हमने कट की हुई थी। प्याज और हरी मिर्चें ऐड करने के बाद हम इसके अंदर हरा धनिया और तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड करने के बाद अब मैं इसे हाथ की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद ये कंसिस्टेंसी बेसन की होनी चाहिए। ठीक है, अब हम जी फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल को हीट करा है और अब हम पकोड़े फ्राई करेंगे इस तरीके से। थोड़ा थोड़ा बैटर लेते जाएंगे और पकोड़े बना के इसके अंदर डालते जाएंगे। जी फ्रेंड्स, इस तरीके से मीडियम फ्लेम के ऊपर हम तमाम पकौड़ों को फ्राई करेंगे। अब हमारे पकौड़े फ्राई हो चुके हैं। जब इस तरीके का कलर आ जाए इट मीन्स ये अंदर से अच्छी तरीके से पक चुके हैं। अब हम इनको एक पॉट के अंदर निकाल देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमने पकोड़े सारे फ्राई कर लिए हैं। अब हम स्टेप नंबर टू की तरफ चलते हैं जो है कढ़ी प्रिपरेशन। जी फ्रेंड्स, यहाँ हमने एक पैन ले लिया है जिसके अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है, तकरीबन आधी प्याली। और अब हम यहाँ पर जो प्याज हमने स्लाइस करे थे उनको हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसको सॉफ्ट करेंगे। प्याज के साथ ही हम यहाँ पर 1 टीस्पून जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था उसको ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जी अब यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। जब यहाँ प्याज सॉफ्ट हो जाए तो जो हमने तमाम स्पाइसेस लिए थे, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और ज़ीरा, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और तमाम स्पाइसेस शामिल करने के बाद हमने यहाँ जो टमाटर कट करे थे वो इसके अंदर शामिल करेंगे। तमाम मसाला बनाने के बाद अब यहाँ हम 1/3 कप यहाँ पर पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला हमारा जले नहीं। और इसे मीडियम आंच करके ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने मसाले को प्रिपेयर कर लिया है। इसमें पानी डाल के हमने 10 मिनट के लिए मसाले को भुनने के लिए रखा है ढक के हल्की आंच के ऊपर। जितनी देर में हमारे टमाटर सॉफ्ट होंगे और मसाला बनेगा हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप हमारा है कढ़ी बनाने का, कढ़ी की लस्सी बनाने का। लस्सी के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 1/2 किलो से थोड़ा ऊपर दही लिया है। दही को मैं पहले अच्छी तरीके से फेंट लूँगी। इसको इतना अच्छा हमने ब्लेंड करना है कि कहीं भी दही का कोई लंप बाकी ना रहे।
अगर लंप रहेगा तो फिर कड़ी के अंदर भी गुठलियाँ बनेंगी। जी तो आप ये देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह दही को हमने फेंट लिया है। अब इसके अंदर एक बड़ा टेबल स्पून बेसन का मैं शामिल करूँगी। अगर आप छोटा चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं तो दो छोटे चम्मच भर के इस्तेमाल करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बिल्कुल स्मूथ क्रीमी टेक्सचर इसका होना चाहिए इस तरीके का। जी फ्रेंड्स अब यहाँ मैं इसकी लस्सी फॉर्म करूँगी। यहाँ मैंने तकरीबन एक ग्लास पानी लिया है जो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी और अगेन इसे अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन झागदार लस्सी इसकी तैयार है। अब इस स्टेज के ऊपर मैंने यहाँ पे 1/3 कप ऑयल लिया है जो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी और शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। जी यहाँ पर कड़ी की लस्सी बिल्कुल तैयार है। अब जब हमारा मसाला फ्राई हो जाएगा तो इस लस्सी को हम उस मसाले के अंदर ऐड करेंगे। जी अब यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम देखते हैं मसाले की क्या पोजीशन है। मसाला जो है बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है, फ्राई हो चुका है। अब हम इसको हाथ की मदद से टमाटर को थोड़ा सा भून लेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। जी जनाब जब मसाला इस तरीके से बिल्कुल फ्राई हो जाए और जो है टमाटर भी अच्छी तरीके से गल जाए तो जो हमने लस्सी प्रिपेयर करी थी वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और जी इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इस वक्त इसकी ये कंसिस्टेंसी है बिल्कुल दूध जैसी। अब इस पॉइंट पे हम बिल्कुल स्लो आंच करके इसको ढक के रख देंगे पकने के लिए। दही का कच्चापन निकल जाएगा तो ही कड़ी अच्छी सी तैयार होगी। इसको हम तकरीबन बिल्कुल स्लो आंच या हल्की सी मीडियम से भी थोड़ी स्लो आंच के ऊपर 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे ताकि कड़ी अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। जी फ्रेंड्स यहाँ पे 20 मिनट्स गुजर चुके हैं। अब देखते हैं कड़ी की क्या पोजीशन है। जी कड़ी हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको हमने इसी स्टेज पर बस ऑफ़ कर देना है। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ी करने के चक्कर में पकाएंगे तो जी कड़ी रखे रखे थिक होती है। अगर हम इसको जो है इससे ज़्यादा थिक करेंगे तो फिर वो रखने के बाद बहुत ही ज़्यादा एकदम थिक और लद्दड़ हो जाएगी जो खाना खाई जाती है ना अच्छी लगती है। ये बहुत ही इस स्टेज पे हमने कड़ी को जी चूल्हा बंद करना है और ये कलर आ जाएगा तो बिल्कुल इसका मतलब है कड़ी रेडी है। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी खट्टी खट्टी सी कड़ी बनती है। अब इस पॉइंट पे हमने कर देना है जी इसका चूल्हा बंद। कड़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हमने यहाँ पे जो पकोड़े बनाए थे उसको हम इसके अंदर शामिल करेंगे। पकोड़ों को इसके अंदर शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से इसके अंदर डिप कर देंगे और जी कड़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हम बिल्कुल लास्ट स्टेप करेंगे, इसका बघाड़ लगाना है। मैं इसकी प्रिपरेशन बताती हूँ। जी फ्रेंड्स अब यहाँ पर लास्ट स्टेप हम फॉलो करने जा रहे हैं बघाड़ लगाने का। मैंने यहाँ एक पैन ले लिया है, पैन के अंदर ऑयल डाला है जिसे मैं हीट कर रही हूँ। बघाड़ लगाने के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून लिया है जी ज़ीरा, 2 से 3 ले लिए हैं साबुत लाल मिर्च और 8 से 10 मैंने लिए हैं कड़ी पत्ता। अब ऑयल हीट होने के बाद ये तमाम चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे।
जी फ्रेंड्स, यहाँ बघारा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ हम कर देंगे चूल्हा बंद और इसको कढ़ी के अंदर ऐड करेंगे। खोली है और इसको अब हम पे हमारी कढ़ी और राइस बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। धनिया इसके ऊपर ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने कढ़ी रख दिए थे वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी कढ़ी की रेसिपी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को रिंग कर दीजिए। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।